हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन की है। आइए समझते हैं पाइथन में डिक्ट डेटा टाइप के बारे में। इसके पहले भी हम बात कर ही चुके हैं डिक्ट डेटा टाइप के बारे में, कैसे हम पता लगाते हैं किसी भी डेटा टाइप के बारे में, ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आइए मैं आपको डिक्ट डेटा टाइप के बारे में एक प्रोग्राम बना करके दिखाता हूं, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये डिक्ट डेटा टाइप है क्या। यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं s नाम से, s इज इक्वल टू, अब देखिए s में क्या असाइन कर रहा हूं। देखिए यहां पर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर रहा हूं डिक्ट डेटा टाइप के लिए, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। अब मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू लिखनी है, वैल्यू का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये वैल्यूज लिखनी है हमें, तो वैल्यूज लिखनी है तो यहां पे मैं 200 लिख सकता हूं, 300 लिख सकता हूं, 2000 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। डिक्ट डेटा टाइप की खास बात ये है कि इसमें कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर्स और वैल्यूज दोनों आप दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं अपना नाम दे देता हूं, एस यू आर ए जे, सूरज दे दिया, और यहां पे सिंगल इंटेड कॉमा क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर कॉमा देता हूं, फिर यहां पे करता हूं 3000, तो ये 3000 कर दिया हमने, और फिर यहां कोलन लगाया, फिर सिंगल इंटेड कॉमा ओपन किया, और फिर यहां कर दिया राम। तो देखिए इसको भी हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, कॉमा देना है, फिर यहां पर कुछ और देता हूं, लाइक यहां पे कर देता हूं 3000, तो ये 3000 कर दिया मैंने, और यहां पर कोलन लगाया, और कोलन लगाने के बाद यहां पे कुछ और कर देते हैं लाइक राजू, तो ये लिख दिया हमने। अब ये भी सिंगल इंटेड कॉमा में रहेगा, आप डबल इंटेड कॉमा या सिंगल इंटेड कॉमा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लगाइएगा वही लगाइएगा, ऐसा नहीं कि डबल इंटेड कॉमा और सिंगल इंटेड कॉमा का कॉम्बिनेशन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे कॉमा देंगे। अब मान लीजिए एक और वैल्यू हमको लेनी है, लाइक 4000 ले लिया हमने, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर हम नंबर भी ले रहे हैं और कैरेक्टर्स भी ले रहे हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि एक नाम का सेट भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया मैंने लाइक अभी, तो ये कुछ नाम भी हमने लिख लिया इसमें, देख ही सकते हैं आप। और अब इसको यहां से क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस को, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करने के बाद हमको क्या करना है, देखिए यहां पर एंटर प्रेस करके नीचे आता हूं। पहले तो हम पता कर लेते हैं ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। तो डेटा टाइप पता करने के लिए यहां पर सिंपली लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और फिर लिखेंगे टाइप। तो ये प्रिंट और टाइप लिख दिया मैंने, और अब हमको किसका डेटा टाइप पता करना है, हमको एस का डेटा टाइप पता करना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अब इसको सेव कर लेते हैं। तो यहां से अगर इसको रन करवाने जाएंगे तो ये भी अपने आप सेव हो ही जाएगा, तो यहीं से सेव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आएंगे और यहां पर एक नाम दे देता हूं, डॉट py लगाना जरूरी, तो एंटर प्रेस करता हूं, अब ये हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं क्लास डिक्ट आ रहा है, इट मींस कि ये डिक्ट डेटा टाइप है, क्लियर है। डिक्ट डेटा टाइप कैसे बनता है, अब देखिए अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट करवाएंगे, देखिए ये जो हमने लिखा है इसको प्रिंट करवाना है। तो यहां पर सिंपली कुछ नहीं करना, आपको लिखिए प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद खाली s दे दीजिए, बस ये प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहां पर चलता हूं रन पे, और यहां से रन मॉड्यूल पे जाता हूं, इसको सेव कर लेते हैं। और अब देखिए देखिएगा तो ये सब प्रिंट होकर आया हुआ है, देखिए जो जो हमने लिखा हुआ था वो सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही है। तो ये होता है डिक्ट डेटा टाइप, ठीक है।